Hi friends, so this is the new topic, basic structure of the constitution. That is very very important. और 2019 में जब केशवानंद भारती जो संत थे उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद भी क्वेश्चन आया था 2020 में. और उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. किसी न किसी रीजन से ये हमेशा न्यूज़ में रहता ही है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन हमेशा आता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाई इट इज़ इन न्यूज़. सो रिसेंटली केशवानंद भारती ऑफ द लैंडमार्क केशवानंद भारती श्रीपद गलवारू वर्सेस अदर स्टेट ऑफ केरला केस पास्ड अवे, तो उनके बेसिस पे ही ये जो डिस्कशन था. मैंने आपको बताया था कि उनकी जो डेथ हुई थी उसके बाद ये क्वेश्चन आया था और वाई इट वॉज इन न्यूज़. तो उसके अलावा केशवानंद भारती के जो भी लैंडमार्क जजमेंट था, बिकॉज उन्होंने ही जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और आप कह सकते हो कि जो भी इंडिया की जो भी डेमोक्रेसी को बचाया था, वो इतने ज़्यादा फाइट करी. ऑल दो वो हार गए थे केस, बट उसके बाद भी अगर आप कहते हो तो हमेशा ये लैंडमार्क जजमेंट के रूप में याद किया जाता है. और हमेशा जब भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो केशवानंद भारती का नाम हमेशा आता है. सो अबाउट द केशवानंद भारती केस, द केशवानंद भारती जजमेंट सुप्रीम कोर्ट आउटलाइन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्ट्रिन था वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. सो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो द केस डील्ड विद द पिटीशन अगेंस्ट द केरला गवर्नमेंट चैलेंजिंग द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हिज लैंड बाय द गवर्नमेंट अंडर द केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 एज अ वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एज enshrined in article 25, 26 and 31 of the constitution of India. Because अगर हम बात करते हैं right to property की, तो वो पहले fundamental right था. उसके बाद जो भी constitutional amendments हुए उसको उसके बाद article 300A में convert कर दिया गया और now this is a legal right. अगर आप right to property की बात करते हैं तो वो background था इसका. और उसी के basis पे 1963 में जो केशवानंद भारती ने केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस या फिर आप कह सकते हो पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनकी जो लैंड थी उसको केरला गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था और उसके बेसिस पे उन्होंने पिटीशन फाइल की थी. सो द केस वाज हर्ड बाय अ बेंच ऑफ 13 जजेस, अब तक की सबसे बड़ी जो बेंच थी ये एंड द लार्जेस्ट फॉर्म इन द सुप्रीम कोर्ट. सो हियरिंग प्रिसीडेड द स्कोप ऑफ द केस वॉज एक्सटेंडेड टू एड्रेस द फॉलोइंग. सबसे पहले जो था इंटरप्रिटेशन ऑफ गोलकनाथ केस, जो गोलकनाथ केस था उससे पहले का है. उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. आफ्टर दैट द वैलिडेशन ऑफ द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 2 सेक्शन 3 ऑफ द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो उसका डिटेलिंग थी. सो अब हम बात करते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेसिक स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग से बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. लास्ट ईयर के जो भी पीटी 365 थी उसमें भी इसका काफ़ी डिटेल इसी टाइप से दिया गया था. तो बात करते हैं 1951 की. सबसे पहले जो भी आया था शंकरी प्रसाद केस से, 1951 में शंकरी प्रसाद केस आता है. उसके बाद जो भी पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368, तो शंकरी प्रसाद के केस में ये बोला गया. और सज्जन सिंह 1965 के केस में भी ये बोला गया था. ये क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने ये क्रोनोलॉजी नहीं अपनी कॉपी में लिखी है तो आई विल सजेस्ट यू कि ये क्रोनोलॉजी अपनी कॉपी में लिखें. हरियाणा पीसीएस के 2021 में इसके बेसिस पे क्वेश्चन आए थे और उसके अलावा पीसीएस में भी क्वेश्चन आया है, यूपीपीसीएस में भी. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और बेसिक स्ट्रक्चर के लिए मैंने बता दिया आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर के लिए 2020 और 21 में भी क्वेश्चन आया है. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो उसके बाद बात करते हैं कि 1967 में गोलकनाथ केस आता है. उसमें आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट. सो वो बोलता है कि
जो भी अमेंडमेंट की पावर थी वो नहीं देता, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स कांट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। उसके बाद 1971 का केस आता है, उसके आई मीन 1971 आता है, उसमें 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द पार्लियामेंट, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कांट लॉ अंडर आर्टिकल 3, सो पार्लियामेंट कैन अमेंड द लॉ। तो पार्लियामेंट बोलती है कि 24th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि पार्लियामेंट, सो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट बोलती है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर फंडामेंटल राइट्स को भी। उसके बाद 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 3 चेंजेस होते हैं। सेक्शन 2 बोलता है कर्टेल्ड राइट टू प्रॉपर्टी विद ड्यू कंपनसेशन। सो जो भी राइट टू प्रॉपर्टी का जो भी जो फंडामेंटल राइट्स था वहाँ से कन्वर्ट करके उसको किसी और आर्टिकल में इंसर्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के और उसको लीगल राइट बना दिया था। सेक्शन 3 बोलता है कि प्रोसीजर ऑफ DPSP ओवर फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स इज सुप्रीम देन DPSPs। सो सेक्शन 3 बोलता है कि अगर वॉयलेशन होता है DPSP या फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है DPSP और फंडामेंटल राइट में तो फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा। सो आफ्टर दैट फंडामेंटल टुक अवे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू फॉर आर्टिकल 39B एंड 39C। सो जो भी 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला जाता है कि अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C से जुडिशियल रिव्यू का जो पावर था सुप्रीम कोर्ट का वो ले लिया गया है। उसके बाद जो 19 जब जुडिशियल रिव्यू की जो पावर थी वो सुप्रीम कोर्ट से ले ली जाती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी फ्यूरियस होता है बिकॉज यहाँ पे जो भी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ब्रेक हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी ब्रेक हो रहा है बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर की जो पावर है वो बिल्कुल अलग अलग है, और जुडिशियल रिव्यू एंड सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है 1972 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एडेड 2 लैंडमार्क रिफॉर्म्स लेजिस्लेशन टू 9th शेड्यूल, क्योंकि 9th शेड्यूल का जो डिटेल्स है मैंने काफ़ी डिटेल में मेंशन किया है। सो 9th शेड्यूल कहता है कि जो जितने भी प्रोविजंस ऐड होंगे शेड्यूल 9 में वो जुडिशियल रिव्यू की परमिशन नहीं देते हैं। उसके बाद 1973 आता है केशवानंद भारती का केस। उसके बाद लाइन ऑफ थॉट मेंटेन्ड एंड स्ट्रेंथन्ड इन द सबसीक्वेंट जजमेंट लाइक मिनर्वा मिल केस, उसके बाद SR बोमई केस और कोहेतो होहलान केस आता है, और करंट तक ये सिचुएशन चल रही है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो ये सारा जो भी डिटेल थी ये आप अपने जो आपके स्टैटिक पोर्शन है उससे कवर आप डिटेल में करिएगा। जितने भी केसेस हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, मैंने खुद ये रियलाइज़ किया है, मैं इसीलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको ये चीज़ें डिटेल में पढ़नी है तो आप अपने बेसिक जो भी जो दूसरी प्लेलिस्ट है मेरी जिसमें आई हैव कवर्ड द स्टैटिक पोर्शन, सो यू कैन गो थ्रू दैट एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो यू कैन गो टू लक्ष्मीकांत ऑल्सो, एंड ये भी जितने भी सारे केसेज हैं आपको लक्ष्मीकांत में ईजिली मिल जाएंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं जो टेबल दी गई है इसमें से जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम बात करते हैं कि वॉट इज़ द वर्जन एलिमेंट्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सो सम प्रिंसिपल्स दैट आर प्रेजेंटली पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर आर स्टार्टेड बिलो। सबसे पहले सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसेंशियल फीचर ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर्ड टू द सिटीजन, सबकी इंडिविजुअल फ्रीडम जो भी इंडियन सिटीजन्स की वो होनी चाहिए। मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट का डेवलपमेंट होना चाहिए। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड इट इज अबव ऑल। उसके अलावा रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर एंड फेडरल
कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होना चाहिए, यूनिटरी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि ऐसा नहीं होनी चाहिए कि अगर आप किसी को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेज रहे हो, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे जनता के, तो वो अपनी मनमानी नहीं चला सकते हैं. इसीलिए मेंशन किया गया है कि लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जो वो चाहते हैं वो सारे लॉज आएंगे. जैसे अभी जो एजिटेशन था फार्म बिल को लेके, क्योंकि जो फार्मर्स थे वो खुश नहीं थे उस अमेंडमेंट से, तो गवर्नमेंट को भी इतना टाइम लगा समझने में कि आई थिंक जब जनता खुश नहीं है तो आई थिंक उसको वापस ले लेना चाहिए. दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन रिपील्ड. उसके अलावा बात करते इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस. अपार्ट फ्रॉम दिस प्रिंसिपल ऑफ एसेंस अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 and 142 एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 and 227. उसके बाद हम बात करते हैं आउटकम्स ऑफ द केशवानंद भारती केस. सो केशवानंद भारती के केस के बाद जो भी आउटकम्स आए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे और लैंडमार्क थे. उसके अलावा हमेशा सुप्रीम कोर्ट जो भी इस टाइप के जो केसेस होते हैं उसका जो रेफरेंस लेती है और तब अपने डिसीजंस को दिया जाता है. सो अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैड द पावर टू अमेंड एनी of all provisions of the constitution including fundamental rights with the condition that the amendment should not alter, damage or destroy the essential feature of the fundamental principles of the constitution. This came to known as the basic structure of constitution. और यही supreme court ने अपने judgment में दिया था और यही principle जो doctrine of principle था basic structure of constitution बोला था supreme court ने कि parliament कोई भी सेगमेंट कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो सकता है उसमें, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस करेक्टेड जजमेंट ऑफ द गोलकनाथ केस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 368 कंटेन्ड बोथ द पावर एंड द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट अमेंडिंग पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट वर डिफरेंट. सो अमेंडिंग पावर और जो लेजिस्लेटिव पावर है वो दोनों डिफरेंट है. ये गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है अदर जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द 25th and 29th अमेंडमेंट एक्सेप्ट फॉर द पार्ट्स दैट कर्टेल्ड इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड ऑल्सो एसर्टेड दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैंस अमेंडेबल. सो उसको अमेंड किया जा सकते हैं और प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड. काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये. टिल देन स्टडी हार्ड एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.